जिस टीम में दीपक हो सूर्य हो दोनों एक साथ हो उस टीम में भला अंधकार कैसे हो सकता है। जया स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हुसैन हुसैन और मेरे साथ मौजूद है आकाश चोपड़ा। एक जबरदस्त मुकाबला, शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि ऐसी जगह से भारत ये मुकाबला जीत पाएगा, वो भी दीपक चहर। लेकिन नाम ही है दीपक और हमारा ये पहला मैच पॉइंट भी है, सूर्य और दीपक ने बिखेरी चमक। एब्सोल्युटली मानना पड़ेगा। और आपने बात करना किसने सोचा होगा, क्या किसी ने सोचा होगा, मेरे विचार में दीपक चाहर ने सोचा होगा, क्योंकि ना ये दीपक की कहानी जो है, ये इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू से मैं जानता हूँ। इनकी कहानी जो है वो सेल्फ बिलीफ की है, कि अपने में इतना विश्वास है कि कई बार लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है यार, इतना अच्छा थोड़ी ना हो सकता है। तो हमेशा कहते जरूर थे भैया मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ऑलराउंडर बन सकता हूँ। और आप देखते थे बैटिंग और कहते थे हम बैटिंग कर सकता है, पर क्या इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है? देखिए मैंने नहीं सोचा था, पर दीपक ने वो कर दिखाया, क्योंकि उनकी कहानी वही ना कि नेवर गिव अप, नेवर गिव इन, हार माननी ही नहीं है और अपने आप के ऊपर भरोसा लगातार जताए रखना है। छोटा सा इनका अंतरराष्ट्रीय करियर है, एक ऑलरेडी ये T20 में हैट्रिक ले चुके हैं, इनके जो आंकड़े हैं विश्व में सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं। यहाँ पर एक हारे हुए मैच को इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली जितवा दिया है, तो फिर मानना पड़ेगा भैया दीपक चमक रहा है और उसकी चमक जो है वो चारों तरफ फैल रही है। बिल्कुल दीपक जगमगा रहा है। लेकिन आकाश इस बीच में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से संकट के वक्त में टीम इंडिया को आगे रखा और लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी की। देखिए सूर्या के लिए जो चीजें जो बहुत ज्यादा निखर कर आ रही हैं और सबसे अलग तरीके से आ रही है, वो ये है कि आज से 2 साल पहले वाला सूर्य, सूर्य जब KKR में होते थे तो नीचे वो टेल एंडर का काम करते थे, एंड में आगे फिनिश करते थे कई बार, लेकिन मुंबई में जब उन्होंने रन बनाने शुरू किए तो टॉप पे बैटिंग करते, टॉप 3 में। और 2 साल पहले ये चर्चा थी कि पावर प्ले के बाद वो गेम नहीं है इनके पास, जब बॉल स्पिनर्स आते हैं सर्कल खुल जाता है फिर ये चौके छक्के नहीं लगाते, इनका स्ट्राइक रेट गिर जाता है। पर उसके बाद से अब तक जो आप देख रहे हैं आप सिर्फ सुधार देख रहे हैं और सूर्य का एक उदय होते हुए आपने देखा। और यहाँ पे भी कोई अलग बात नहीं थी, एक अलग नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं जहाँ पे बॉल अगेन एक थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मैदान जो है वो जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस है वो खुल चुकी है, और उसमें भी ऐसे बैटिंग कर रहे हैं कि सामने वाले छोर पे विकेट गिर रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके खेलने के अंदाज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और चौकी इतनी आसानी से ढूंढ रहे हैं जो हमें देख के लगता है कि थोड़ा यार जोखिम वाला शॉट है, इनसाइड आउट शॉट मारना थोड़ा मुश्किल शॉट होता है, कई बार आप कवर्स के हाथ में मार बैठते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं, वहां पे वो चौके मारते हैं, स्वीप पे वो चौके मारते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो विश्व कप होगा ना ये T20 का 3 महीने बाद, उसमें अगर 15 खिलाड़ी भी सिलेक्ट होंगे तो मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो बाजी मार जाएंगे। बिल्कुल आकाश, इससे पहले कि हम मैच पॉइंट 2 पर आए, एक छोटा सा जरूर आपसे जानना चाहेंगे भुवनेश्वर कुमार के बारे में, इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? आखिरी समय में जिस तरीके से ये धैर्य रखते हैं, और ये पहली बार नहीं है, इसी श्रीलंका में पाले केले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसी ही पारी खेली थी, लेकिन आज सामने दीपक चहर थे। देखिए बैटिंग अच्छी करते हैं और बैटिंग इनकी जो है वो गेम अवेयरनेस के बारे में है, कि ज्यादा अपने बारे में कम सोचना है और टीम के बारे में, परिस्थिति के बारे में, उसके बारे में ज्यादा सोचना है। फास्ट बॉलर्स बहुत कम होते हैं जो इस टेम्परामेंट से खेलते हैं, जो वो लार्जर पिक्चर को बड़ी जल्दी देख लेते हैं और उस अंदाज में खेलते हैं। दीपक चहर के बाद बैटिंग करने आया, इस टीम के वाइस कप्तान है दीपक चहर से आपने भी अभी बताया कि देखिए पाली केले में भी रन बनाए थे और धोनी से ज्यादा रन बना दिए थे उस मुकाबले में, तो उसके बावजूद ऐसा नहीं कि कोई ईगो है, अहंकार है कि देखिए दीपक तुम शॉट मार रहे हो मैं भी मार के दिखाता हूँ, क्योंकि उस समय आप वो गलती कर सकते हो, जब आप 70 रन दूर होते हैं ना जीत के तो कोई जीत की सोच नहीं रखता, उस समय आप एक बड़ा शॉट मारते हो आउट भी हो जाते हो तो भी कोई बात नहीं करता, कोई आपकी आलोचना नहीं करता। पर भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर बता दिया कि देखिए अनुभव है वो आपको गेंदबाजी में भी दिखता है, वो उनकी बल्लेबाजी में भी दिखता है। बिल्कुल, और चलिए अब जल्दी से दूसरे मैच पॉइंट पर आ जाते हैं और श्रीलंका की बात करते हैं। खास तौर से अगर आप देखें चमिका करुणारत्ने, जिन्होंने एंड में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, पर जिस अंदाज में चरित असलंका ने बल्लेबाजी की है, एक बार फिर 65 रन उन्होंने शतकीय पारी खेली, पिछले मैच में भी अच्छा स्टार्ट उन्होंने किया था, इस युवा खिलाड़ी से कितना भरोसा है आपको? देखिए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और रन बना रहे हैं, जो मुझे अच्छी बात ये भी लगी कि वो 47 से 48 ओवर में जाके आउट हुए, सीधा 48 ओवर में जब रन बन रहे हैं। इस टीम के साथ जो ये समस्या रही है वो ये है कि
जिस जिसको स्टार्ट मिलता है वो स्टार्ट मिलता है और उसके बाद वो गवा देते हैं विकेट को। पर इस खिलाड़ी ने कोशिश की कि मैं अंत तक बना रहूंगा, अपनी टीम को मौका दूंगा, खुद को अपने आप को मौका दूंगा कि एक बड़ी पारी में उस पारी को तब्दील कर सकूं। तो वो तो जबरदस्त, मतलब काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त नहीं कहूंगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा 65 रन की पारी के लिए। लेकिन जो बाकी दो लोग थे जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करके गए हैं, दोनों ने रन बनाए थे, धनंजय डिसिल्वा ने बनाए, अविष्का फर्नांडो ने बनाए, लेकिन वो दोनों के को मैं एक्चुअली थोड़ा सा उनकी आलोचना जरूर करूंगा कि जनाब आपको स्टार्ट मिली थी, आपको पता है आपके इर्द गिर्द कौन से खिलाड़ी हैं, अगर आप 50 रन से खुश हो जाएंगे तो फिर 275 पे आप पहुंचेंगे, यहां से भी जीत सकते थे, पर अगर 300 होते तो 100% जीत जाते ना। चलिए बिल्कुल, और तीसरे पॉइंट पर जल्दी से आते हैं, वो है भारत का टॉप ऑर्डर। क्या आप मानते हैं कि भारतीय टॉप ऑर्डर जोश में होश नवा गया? देखिए ये खेलने का अंदाज है, जिसको हम कहते हैं भाई ये बहुत रिस्क लेकर खेल रहे हैं, वो कहता है मेरे लिए नेचुरल है। अब ग्लेन मैक्सवेल से पूछिए आपकी क्या रिवर्स स्वीप मारते हो, अरे कितना जोखिम है, वो कहते हैं मैं रोज प्रैक्टिस यही करता हूँ, आपको लगता है कवर ड्राइव की प्रैक्टिस आप करते हो, मैं रिवर्स स्वीप करता हूँ। तो हर किसी के खेलने का अंदाज अलग है, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो खिलाड़ी कैसे एक जैसा खेलेंगे। तो पृथ्वी शॉ जो चीजें जरूर ध्यान रखने योग्य होती हैं, खेलने के अंदाज को नहीं बदलना, सिर्फ अपनी शॉर्ट सिलेक्शन को बदलने की कोशिश करनी है, रिस्पांस आपका क्या रहता है। जैसे पृथ्वी के सामने वो स्पिन ला रहे हैं, पिछले मैच में आउट हुए, यहाँ पर भी स्पिन के सामने आउट हो गए, तो अब पृथ्वी को एक बात तो पक्की रहेगी कि अगले मैच में भी स्पिन जल्दी आएगी, तो वहां पे समझदारी से थोड़ी देर खेलेंगे तो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी कर गए। सेम बात ईशान किशन के लिए, शॉट मारना तो पसंद करते हैं, उनको रूम मिला था, लेकिन अगर आप बाओ आपके बाजुएं नहीं चल रही हैं, आपका पांव नहीं चल रहा है, अभी नए नए आप क्रीज पर हैं, तो फिर शायद वो वाला शॉट जो था उसमें लेंथ गलत पिक कर ली, वो उतनी शॉर्ट बॉल नहीं थी, थोड़ी सी वाइड जरूर थी पर वो थोड़ी आगे की गेंद थी, तो वहां मुझे लगता है शॉट सिलेक्शन गलत है, बॉल का सिलेक्शन गलत था। खेलने के अंदाज को अगर आप इनको बोलेंगे बदल दीजिए भाई, आप जोश में नहीं, आप होश में खेलिए, तो ना तो फिर वो पृथ्वी शॉ रहेंगे, ना वो ईशान किशन रहेंगे, और फिर मजा आएगा नहीं। चलिए ये इनका अंदाज है, लेकिन आपने स्पिन की बात की है, और जिस स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया वो हसरंगा थे, 3 विकेट निकाला हसरंगा ने, उनकी गेंदबाजी देखकर क्या लगता है? देखिए लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर है तो ऑफकोर्स उनके पास विकल्प हैं, थोड़े छोटे कद के हैं, फ्लैट गेंदबाजी करते हैं, फ्लैट डालते हैं लेकिन तेज नहीं डालते, तो वो एक हमेशा हम उस बात को बहुत तवज्जो देता हूँ, मैं तो बहुत रेट करता हूँ इस बात को कि आप अगर धीमा डालते हैं तो फिर आप जितनी देर गेंद को हवा में रखेंगे बल्लेबाज को उतना सोचने के लिए आप मजबूर करेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की, इनफैक्ट कमर सी तोड़ दी थी भारतीय बल्लेबाजी की, शुरू में दोनों ओपनर्स को आउट किया, जब आपको लग रहा था मैच जीतने वाले हैं तो वहां पे आके आपने कृणाल पंड्या को आउट किया, लगा कि दैट्स इट गेम ओवर। वहां कप्तानी में जरूर गड़बड़ हुई, वो दर्शन शनका क्योंकि नए कप्तान है, उन्होंने उनको वहां रोक दिया और कहा बाद में लाऊंगा। ये जो बाद है वहां तक आते आते तो कहानी कुछ और बदल चुकी थी, तो एक मौका था आपके पास कि पहलवान को आपने जमीन पे लिटा दिया है, वो धोबी पछाड़ कर दिया है, तो फिर खत्म कर दो, रौन दीजिए। अगर आपने कहा कि चलो अभी नहीं बाद में करता हूँ, तो फिर कल किसने देखा, देखिए इस बार तो आया नहीं, अब अगले मैच में देखते हैं कि अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। चलिए आपने मौके की बात की और यही हमारा चौथा पॉइंट भी है, बात चहल की, एक बार फिर चमके चहल, मौका था चहल के पास इस बार, और इस बार इस सीरीज में इनफैक्ट पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी जबरदस्त नजर आए हैं। देखिए यूजी चहल से आपको इसी बात की उम्मीद थी, 100 विकेट के बहुत करीब खड़े हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, ये थोड़ी हैरानी हुई थी कि पिछले कुछ समय में अंदर बाहर का इनका सिलसिला चल रहा था, कभी कुलदीप खेलते थे तो ये बाहर बैठते थे, अगर ये कई बार राहुल चहर इनसे पहले खेल गए और यूजी चहल को बाहर बिठाया गया, इनसे आप यही उम्मीद करेंगे, सटल वेरिएशन है इनके पास, एक बार फिर ये हवा में गेंद को धीमा डालते हैं, पर धीमे के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है वो दूसरे गेंदबाजों में नहीं है, क्योंकि वो जो फ्लाइट वाली एक बड़ी धीमी गेंद डाली इन्होंने, लेकिन वो सबसे धीमी गेंद नहीं थी, एक फ्लैट गेंद पर उन्होंने वो बोल्ड किया, लेकिन वो सबसे तेज गेंद नहीं थी, तो वो वेरिएशन ऑफ स्पीड विद द फ्लाइट इट्स आउटस्टैंडिंग, की जिस तरीके से ये खेलते हैं, मतलब अभी ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा अंदर, लेग स्टंप के थोड़ा बाहर, जो कंट्रोल इनके पास है, जो वेरिएशंस के साथ ही गेंदबाजी करते हैं, मुझे तो बहुत मजा आता है इनको देखने में। बिल्कुल मजा बहुत आया और मजा हमारे दर्शकों को भी आया होगा, फैंस को भी आया होगा, जिस तरीके से आपने इस पूरे विश्लेषण को अंजाम दिया है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम भी इसी तरीके से शानदार सफर को जारी रखे। शुक्रिया आकाश।